महाराष्ट्र सरकार जिस मुंबई पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, दरअसल वह पुलिस घूस लेने और अपराधियों को संरक्षण देने में एक नंबर की उस्ताद है। आखिर हो भी क्यों ना, समुद्र के किनारे बसने वाली इस माया नगरी की पुलिस भी समुद्र के उसी खारे पानी की तरह हो गई है। जैसे समुद्र अपने अंदर बड़ी से बड़ी मछलियों को रख उन्हें संरक्षण देता है, ठीक वैसे ही यहाँ की पुलिस भी कई बार अपराधियों को संरक्षण देते पाई गई है। जैसे मानो मुंबई पुलिस ने अपनी ईमानदारी को जूहू चौपाटी के समंदर में बहा दिया हो और खाकी वर्दी को खुद ही कलंकित कर दिया हो। चौंकिए मत, ये सब सच है, क्योंकि कल राजस्थान के उदयपुर से मुंबई पुलिस की जो काली करतूत सामने आई है वो मेरे कहे गए हर एक शब्द को सही साबित करती है। राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस को लाखों रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। मामला कुछ इस प्रकार है कि उदयपुर की एंटी करप्शन ब्यूरो टीम को सूचना मिली थी कि मुंबई क्राइम ब्रांच के दो अधिकारी उदयपुर आए हुए हैं और क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे दीपक सेठिया नाम के आरोपी को हिरासत में भी लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने आरोपियों को छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी और एंटी करप्शन ब्यूरो टीम को मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के कार के नंबर और लोकेशन भी मिले थे, जिसके बाद उदयपुर एंटी करप्शन टीम ने वहां पर स्थित चेतक सर्कल के पास एक संदिग्ध टैक्सी को रुकवाया, जिसमें मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस के एपीआई ज्ञानेश्वर जगताप और हेड कांस्टेबल प्रशांत पाटिल और आरोपी दीपक सेठिया सहित चार लोग सवार थे। जब टैक्सी की तलाशी ली गई, तो एंटी करप्शन ब्यूरो टीम को कार में से 10 लाख रुपए की घूस में से पहली किस्त 4,97,000 रुपए की प्राप्ति हुई। पूछताछ में आरोपी दीपक सेठिया ने बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलिस के दोनों अधिकारियों ने उसे छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए के घूस की मांग की थी। बहरहाल उदयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस के अधिकारियों के घूसखोरी का भंडाफोड़ करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया है और उन पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज उदयपुर की एसीबी की स्पेशल यूनिट को गोपनीय सूचना मिली थी कि मुंबई की क्राइम ब्रांच के दो अधिकारी एक टीम आई हुई है और यहाँ उदयपुर का कोई व्यक्ति उनका वांटेड है, जिसको उन्होंने डिटेन किया है और डिटेंशन में उससे पैसे मांगे। सूचना थी 10 लाख रुपए की डिमांड की है और उसको लेके जा रहे हैं और पैसे भी साथ उन्होंने ले लिए। गाड़ी नंबर की भी जानकारी हमें थी, हमने सूचना पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी को रोका हमारी टीम ने और कार्रवाई उनसे पूछताछ की, उनको चेकिंग की, तो 4,97,000 रुपये उनके पास से हमको मिले। जिस व्यक्ति को डिटेन करके लेके जा रहे थे वो भी था, उससे भी पूछताछ हुई है तो उसने भी बताया कि इन्होंने मुझसे डिटेंशन में पैसे मांग किए, मेरे से 10 लाख रुपये मांगे। जितनी अभी मैं जितना अरेंज कर पाया वो 4,97,000 थे, वो इनको दिए, उसके बावजूद ये उसको लेके जा रहे थे और इस दौरान ही हमारी एसीबी की टीम ने उनको डिटेन किया है। हमारी कार्रवाई अभी जारी। मिरर ऑफ ट्रुथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रुथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।